द सिंपोजियम एक डायलॉग है प्लेटो का लेकिन ये असल में प्लेटो ने नरेट ने नहीं किया ये जो डायलॉग है ये नरेट किया है अपोलोडोरस ने अपोलोडोरस ये नरेट कर रहा होता है ग्लूकॉन को और अपोलोडोरस जो नरेट कर रहा होता है वो उसने खुद एरिस्टोडेमा से सुना होता है अबाउट अ गैदरिंग मेड एट एग्थन सिम्पोजियम जो कि सेलिब्रेट करने के लिए होता है एगथन एक जीता था बेसिकली कंपटीशन था ट्रेजडीज़ का प्लेस का कंपटीशन था एगेथॉन वन द कंपटीशन और उसके दो दिन के बाद उसने अपने गैदरिंग रखी अपने घर पे कि आओ यार मैं दोस्त यारों को बुलाता हूँ लेट्स हैव अ फिलोसॉफिकल डिस्कशन और लेट्स ड्रिंक लेट्स हैव अ डिनर पार्टी एंड ही इन्वाइट्स सेवरल फिलोसफर्स एंड प्ले एंड एरिस्टोक्रेट्स और वहाँ पे सोक्रटीज और एरिस्टोडेमस वगैरह सारे जाते हैं और एरिस्टोडेमस नरेट करता है अपोलोडोरस को जिसका व्यू हम इस बुक में देखते हैं पहले हम बात करते हैं ये जो लव से सिंपोजियम इसकी सिम्पोजियम को ट्रांसलेट करते तो हमारे पास मतलब आता है ड्रिंकिंग पार्टी जिसको हम कह सकते हैं आज की मॉडर्न ड्रिंकिंग सॉरी मॉडर्न डिनर पार्टी विद सम ड्रिंकिंग लेकिन कुछ डिफरेंसेस हैं एक ग्रीक सिंपोजियम में और आज की एक मॉडर्न डिनर पार्टी में जो ग्रीक सिम्पोजियम होते थे आई मीन एंशंट ग्रीक टाइम्स उसमें काफ़ी मेल डोमिनेटिव करेक्टर होता था सोशल लाइफ का ग्रीक सोशल लाइफ का और काफ़ी एक सेग्रगेशन होता था मेल और फीमेल एक्टिविटीज़ का सेग्रीगेशन होता था क्या हो गया मुझे देर वॉज़ अ सर्टन सेग्रिगेशन ऑफ मेल एंड फीमेल एक्टिविटीज़ जो होस्ट और गेस्ट होते थे वो सारे मेल होते थे और जो सिम्पोजियम होता था जो बेसिकली जिसका मतलब होता है डिनर पार्टी या गैदरिंग कह लो वो होता था मर्दों के पार्ट में घर के क्योंकि मेंस पार्ट ऑफ़ द हाउस होता था और फी वमेंस पार्ट ऑफ़ द हाउस होता था जहाँ पे यंग बॉयज़ होते थे जो कि कप बेरर्स या फिर ऑब्जर्वर्स होते थे जिनको एथिकल एडवाइस भी मिलती थी और जिनको होमोसेक्सुअल अटेंशन भी मिलती थी जिसके बारे में अभी बात करेंगे आगे अब ये जो प्लेटो का सिंपोजियम था जो प्लेटो ने अपनी बुक में बताया इवन दो प्लेटो वॉज नॉट देयर और ये एक चीज़ आप नोट करोगे बाकी भी डायलॉग्स में प्लेटो के कि इवन दो ही इज नॉट फिजिकली देयर ही 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 काइंड ऑफ वॉइस इज ओन व्यू थ्रू दाउथ माउथ सॉरी थ्रू द माउथ ऑफ सॉक्रेटीज तो सॉक्रेटिस जो भी बोल रहा होता है प्लेटो कहते हैं हाँ यही सही है भाई यही है यही है यही सही है बाकी सब गलत हैं यही है और आप देखोगे प्लेटो के जो शुरू वाले डायलॉग्स हैं अर्ली स्टेट स्टेज़ज़ में वो डेवलप ही होते हैं सॉक्रटीज़ की थिंकिंग से वो सॉक्रटीज़ की थॉट से डेवलप होते हैं और आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ सॉक्रेटीज़ ही काइंड ऑफ मूव्स अवे फ्रॉम हिज पोलिटिकल इंटरेस्ट और ही डिवेलप हिज ओन थाट तो इस इसमें भी सिम्पोजियम के अंदर भी हम देखते हैं कि प्लेटो इज़ नॉट फिजिकली देयर ही इज़ एक्सप्रेसिंग हिज ओन व्यूज थ्रू द माउथ ऑफ सॉक्रटीज़ अब यहाँ पे सिम्पोजियम में एलिग्जी मैकस जो होता है वो निकाल देता है कमरे से जो होती है फीमेल कप बेरर होती है फिर फीमेल एंटरटेनर होती है जो कि गेस्ट एगथान जो गेस्ट होता है उसने प्रोवाइड की होती है जो कि एक सिग्नल होता है कि दिस इज़ नॉट द यूजुअल काइंड ऑफ सिम्पोजियम एज इन देशेंट ग्रीक टाइम्स बट इट इज़ वन ऑफ एन अनयूजअली इंटेलेक्चुअल करेक्टर और ये जो तो सिम्पोजियम है इसमें बेसिकली ये स्टार्ट ऐसे होता है वैन यू रीड द डेक्ट इट्स बेसिकली स्टार्ट कि सॉक्रेटीज़ इज़ लेट ओके ही इज़ लेट okay. एट he, द डिनर क्योंकि अपेरेंटली वो घूम जाता है ही लॉस्ट लॉस्टेज वे ही स्टैंडिंग ऑन द पॉर्च और उसके साथ जो कंपेनियन होता है उसका जो आ रहा होता है गैदरिंग पे उसके साथ एलिस्टोडैमस वो आके बताता है कि भाई ये तो उसको रोज़ का है इसका रोज़ का ये खड़ा हो जाता है एक जगह पर रास्ता भूल जाता है हमें लगता है वो रास्ता भूल गया बट ही इज स्टैंडिंग एट अ प्लेस वो कहीं खड़ा होता है और वो कुछ डीप थिंकिंग में होता है कुछ फ़िलासफी वगैरह अपनी सोच रहा होता है तो दैट्स इस थिंग उसको काम करने दो अपना हम खाना पीना करते हैं तो उसको रहने दो वहाँ पे तो दैट्स व्हाट हैपन्स एवरीवन इज़ ईटिंग सोक्रेटिस जॉइंस लेट और व्हेन एवरीज एवरी वन डन ईटिंग जब सबने खाना खा लिया होता है तो एर एग्जे में भाई कुछ कोई चुल मछती है वो कहते हैं यार हम एक डिस्कशन करते हैं थोड़ी डीप सी ठीक है फिलासफी वगैरह पर हम डिस्कशन करते हैं तो वो कहता है कि हम बारियाँ लगाते हैं सर्कल में बैठ जाते हैं हम लोग और आई डोंट नो इफ एफ वॉज लेफ़्ट टू राइट या फिर राइट टू लेफ्ट या वट एवर बारी होती है इन द सर्कल एंड एवरी वन हैज़ टू शेयर देर व्यूज़ ऑन स्पेसिफिक टॉपिक टॉपिक डिस्कस सॉरी टॉपिक डिसाइड करने की बारी आती है तो फेडरस होता है यहाँ पे फेडरस सजेस्ट करता है टॉपिक <coughs> वो कहते हैं प्यार के बारे में बात करते हैं हम सारे अपना व्यू शेयर करते हैं प्यार के बारे में अब क्योंकि फेडरस ने ये टॉपिक सजेस्ट किया होता है तो उसको बाकी सारे कहते हैं भाई आपने किए ना सजेस्ट आप शुरू करो तो फेडरस स्टार्ट करता है वो ये कहता है यार कि लव जो है वो खुदा है क्योंकि ग्रीक मैथोलॉजी में देर इज़ नॉट अ सिंगल गॉड वो एक पोलिथिस्टिक सोसाइटी होती है जिसमें दे बिलीव ऑन मल्टीपल गॉड्स हर चीज़ का उन्होंने खुदा बनाया हुआ है ठीक है तो फेडरस कहता है कि लव इज़ अ गॉड बिकॉज ऑफ इट्स इंटीक्विटी मतलब क्यों वो खुदा है क्योंकि वो सबसे पुराना है वो इस दुनिया में जब से दुनिया बनी है तब से है तो इतना पुराना है तो ही मस्ट बी अ गॉड ही गॉडन से ही मस्ट बी मैं तो पैरफ्रिज कर रहा हूँ ही बिलीव्स दैट इट इज़ अ गॉड और वो उसकी रीजनिंग प्रोवाइड करता है क्योंकि वो सबसे पुराना है वो खुदा है ही इज़ वन ऑफ द गॉड्स ही इज़ लव इट इज अ गॉड फेडरस का ये आर्गूमेंट होता है फिर फेडरस कहता है कि बेसिकली आप जब देखोगे इन इन सारे लोगों की जो यहाँ पे मौजूद हैं इन सब की स्पीचेस के अंदर एक तो पहली चीज़ ये है कि वो अपने खुदाओं से रिलेट करते हैं दे रिलेट एवरी थिंग मोस्ट ऑफ वर्ट दे टू देर गॉड्स और दूसरी चीज़ के इनकी बातों में होमो एरोटिसजम होमोसेक्शुअलिटी का थोड़ा सा आपको एस्पेक्ट नज़र आएगा क्योंकि फेडरस अभी आगे ये भी कहता है कि अगर सो तो हम हम सोसाइटी के अंदर हम ऐसा रख दें कि हम को ख़त्म कर दें और देर इज़ बेसिकली लवर्स एवरीवेयर आप का आशिक हर बंदा है आशिक गलत वर्ड होगा क्योंकि जिस सेंस में वो लवर यूज़ कर रहा है इट इज़ पॉइंटिंग टूवर्ड्स रिलेशनशिप बिटवीन अ मैन एंड अनदर मैन और अ मैन एंड अ चाइल्ड तो वो वो कह रहा है कि इफ़ दिस काइंड ऑफ अ सोसाइटी एग्जिस्ट तो मॉरल इलनेसेस वगैरह नहीं होंगी क्योंकि हर बंदा कंपीट कर रहा होगा ऑनर के लिए अपने लवर के सामने कि नहीं मैं आपके उस दूसरे लवर से बेहतर हूँ और इस वजह से डिसग्रेस से बचने के लिए कोई इंसान भी डिस्ग्रेसफुल हरकतें नहीं करेगा अपने लवर्स के सामने तो ये उसका बेसिकली आर्ग्यूमेंट होता है और फिर फेड्रेस के बाद काफ़ी और आते हैं मतलब फेड्रेस के बाद सॉरी दूसरा बंदा जो होता है वो होता है हाँ द थिंग अबाउट दिस इज़ के और भी लोगों ने वहाँ पे अपनी वॉइस की थी अपने अपने ओन उन व्यूज़ उन्होंने बोले थे लेकिन क्योंकि ये दो लोगों के अकाउंट से गुजरता आ रहा है क्योंकि ए रिश्टो डेमस वहाँ पर था उसने अपोलोडोरस को बताया और अपोलोडोरस ने गूकॉन को बताया तो ये दो लोगों से होते हुए आर्गुमेंट आ रहा है तो काफ़ी चीज़ें इसमें मिस भी हो गई क्योंकि अगर आप पढ़ोगे पेंगुइंग क्लासिक्स की बुक पेंगुइ क्लासिक्स का एडिशन आप पढ़ोगे द सिंपोजियम का तो उसमें भी काफ़ी चीज़ें मिसिंग हैं क्योंकि जो एनशेंट ग्रीक टेक्स्ट है पच्चीस साल पहले का उसमें उस उस इवेंट पे उस गैदरिंग पे काफ़ी और लोग भी थे जिन्होंने अपने शेयर किए थे व्यूज़ लेकिन वो काफ़ी चीज़ें एक्सक्लूड हो चुकी हुई हैं बाकी कुछ और ट्रांसलेशन भी हैं नॉट जस्ट द पेंगुइन क्लासिक्स वन वहाँ पर भी ये इस इवेंट का इस गैदरिंग का कम्प्लीट अकाउंट नहीं है तो फेडरस के बाद कुछ लोग बोलते हैं जिनका अकाउंट बुक के अंदर नहीं है काफ़ी ट्रांसलेशन के अंदर वो एक्सक्लूड हो चुका हुआ है तो उन लोगों के बाद बारी आती है पोजेनियस की पोजेनियस स्टार्ट करता है बाई के फेडरस ने एक सिंगल कॉम्पोनेंट बताया मतलब उसने फेडरस ने बात की है लव एज इफ इट वाज अ सिंगल थिंग लेकिन क्योंकि लव जो गॉडस है उसकी अपने दो टाइप्स हैं उसके अपने दो काइंड हैं ग्रीक मेथोलॉजी में, में एफ्रोडाइट को माना जाता है गॉडस ऑफ लव और वो एग्जिस्ट करती है एज टू काइंडस एक हेमली लव और दूसरा कॉमन लव तो वो जैनियस ये कहता है कि द फर्स्ट काइंड ऑफ लव जो है कॉमन लव वो कॉमन होता है एज से इज द नेम और दूसरी बात कि वो डिस्क्रिमिनेटरी नहीं होता पीपल फील दिस का वो उनकी बॉडी से अट्रैक्ट होते हैं उनके माइंड से अट्रैक्ट नहीं होते हैं ये एट्रीब्यूट होता है कॉमन लवॉर्डिंग टू पुजे और इवन टू ग्रीक मैथोलॉजी क्योंकि उसी पर वो बेस करा था अपनी थिंकिंग खैर इन कॉमन लव पीपल आर अट्रैक्ट पार्टनर्स विद द लीस्ट पॉसिबल इंटेलिजेंस क्योंकि उनका सोल एम होता है कि जो उनको चाहिए उनको वो चाहिए दे जस्ट वॉन्ट टू गेट वट दे वॉन्ट और उनको ये फिक्र नहीं होती कि ये हम किस मीन से अचीव करें वेदर वी डू दिस राइटली और वी डू नॉट डू दिस राइटली उनको ये भी नहीं फ़र्क पड़ता कि हम बिहेव किस तरह कर रहे हैं आर वी एक्टिंग मॉरेली राइशियसली या फिर और नॉट फिर जो दूसरी काइंड का लव होता है अकॉर्डिंग टू पोजेनियस इज़ हेमली लव विच इज़ डायरेक्टेड एट बॉयज आई विल टॉक अबाउट दिस एट दी एंड अभी बस मैं उसका व्यू बता रहा हूँ नॉट माई ओन व्यू तो या आई टॉक अबाउट दिस इन एंड आई टॉक अबाउट माई ओन व्यू अबाउट पोजेनियस इज़ व्यू एट खैर कंटिन्यूइंग पोजेनियस इज स्पीच वो कहता है कि मैन आर अट्रैक्टिव टू बॉयज़ उस वक्त तक ओ सॉरी उस वक्त के बाद जब उनके अंदर इंटेलिजेंस पैदा हो जाती है मतलब आफ्टर द टाइम जब प्यूबर्टी प्रीव, आती है जब दाढ़ी मूं उगती है तो ताकि वो ये वो ये नहीं चाहते कि वो ट्रिक करें एक बॉय को मतलब किसी किसी कोई बच्चा है और वो अभी अभी बच्चा है दिमाग से भी बच्चा है वो और उसको ट्रिक नहीं करना चाहते इन टू हैविंग सेक्शुल रिलेशनश विद द ओल्डर मैन एंड इन टू कमिंग इन टू अ रिलेशनशिप विद द ओल्डर मैन तो वो चाहते हैं कि बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाए जिसमें अकल आ जाए थोड़ी और वो अपनी चॉइस से हमारे साथ आए इन टू बोथ सेक्शुल रिलेशनशिप्स एंड इन टू वट एवर दे वॉन्ट्स फ्राम द बॉय खैर पोजेनियस ये कहता है कि एक लव अफेयर जो होता है वो इन इट्स सेल्फ राइट या रॉन्ग नहीं होता लेकिन जो जिस तरीके से आप उसे कॉन्डक्ट करते हो इफ़ इट इज़ कंडक्टेड राइटली तो फिर वो सही है अगर इट इफ इट इज़ कंडक्टेड रॉन्गली तो वो रॉन्ग है और वो फिर ये कहता है कि जो कॉमन लव है इट इज़ वेरी फ्लॉड क्योंकि जो कॉमन लव में आप एक इंसान की बॉडी से प्यार कर रहे हो जो कि कॉन्स्टेंट नहीं है और जैसे ही वो जो ब्लूम है बॉडी का वो फेड हो जाएगा तो आपकी जो अट्रैक्शन है वो भी फेड हो जाएगी और फिर आपको उस इंसान से प्यार नहीं रहेगा आई आई बिलीव इन दैट कि ये uh, सही कह रहा था वो सही कह रहा था इस इस पर्टिकुलर बात पे कि ये जो बॉडी से प्यार होता है इट फेड्स अवे एज सोन एज द ब्यूटी ऑफ द बॉडी फेड्स लेकिन बाकी इसने जो भी बोला आई टू नॉट अग्री विद दैट खैर इसके बाद वो ये कहता है कि जो इंसान जो एक इंसान के करेक्टर से एक इंसान की सोल उसकी अच्छाई से प्यार करता है उसका प्यार कॉन्स्टेंट रहता है और वो फेड अवे नहीं करता क्योंकि वो कॉन्सटेंट है तो उसका प्यार भी कॉन्स्टेंट है फिर पोजनियस ये कहता है इट इज़ रॉन्ग टू फॉल इन लव वेरी क्विकली एंड इक्वली रॉन्ग कि आप एक इंसान के पैसे या फिर पॉलिटिकल सक्सेस या फिर किसी मटेरियल चीज़ से उसके प्यार करो क्योंकि कोई भी जेनवन अफेक्शन जो है ना वो इन चीज़ों इन मटेरियल चीज़ों पे बेस्ड नहीं होएगी और एक इंसान और हमें अभी अभी आप नोटिस हो इफ यू रीड द टेक्स्ट कि इन लोगों ने मैन यूज़ ही नहीं किया इन्होंने बॉय ही यूज़ किया क्योंकि इनका जो सेंटर पॉइंट है ना हर रिलेशनशिप का क्योंकि मेरा ख्याल में इनकी सोसाइटी में ग्रीक सोसाइटी में ये मेल और बॉय वाले रिलेशनशिप्स में काफ़ी का काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है सोसाइटी में तो इन सब की स्पीचेज़ में आप देखोगे इन मोस्टली इन सब की स्पीच में देखोगे कि एक बॉय और मैन की रिलेशनशिप की काफ़ी बात हुई हुई है तो इस कि एक बॉय एक बच्चा जो है वो अगर प्यार करेगा किसी इंसान के पैसे से या फिर कि पोलिटिकल सक्सेस से तो वो दो रीजनस की वजह से करेगा या तो वो फ्राइटेंड है उस बंदे की पावर से कि ही विल सफ़र फ्राम ग्रेव कॉन्सिक्वेंस इन टू फ्राम नॉट फॉलोइंग इन लव विद द मैन और दूसरा कि या तो वो बेसिकली गोल्ड ही है इन सिंपल टर्म्स के ही इन्जॉयज़ द बेनिफिट ऑफ मनी और पोलिटिकल सक्सेस फिर पुजनस ये कहता है कि जो एक टाइप ऑफ स्लेवरी का जो एक्सेप्टेबल है उसकी नज़र में वो है जो प्रोड्यूस प्रोड्यूस करे वर्चू या फिर विच एम्स टू प्रोड्यूस वर्चू क्योंकि अगर अगर एक इंसान चाहता है कि वो किसी और को सर्विस दे इस यकीन की वजह से कि उसको इस चीज़ से थोड़ी सी वर्च्यू हासिल होगी उसको कुछ विजडम हासिल होगा तो ये स्लेवरी नहीं है और ये ना ही ह्यूमिलटिंग है ना ही रॉन्ग है फिर बोजैनियस ये कहता है कि अगर आप इस 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 चक्कर में डिसीव भी हो रहे हो ना तो ये डिसीव होना वर्थ इट है क्योंकि अगर आप के पास ये होप है कि हम एक इंसान से रिलेशनशिप करते हैं या फिर वट एवर ऑफ अ सेक्शुअल नेचर और नॉट ऑफ अ सेक्चुअल नेचर और अगर वो इस होप में है कि बाय द एंड ऑफ इट या फिर ड्यूरिंग द रिलेशनशिप्स टाइम स्पेंड यू विल लर्न समथिंग फ्राम द पर्सन एंड यू विल बी बिकम मोर वर्चुअस तो अगर आप डीव भी होते हो तो इट इज़ वर्थ सेट वो ये कहता है इसके बाद पोजेनियस के बाद एरेग्जी मैकस आता है और वो ये कहता है कि मैं कंप्लीट करता हूँ पोजनियस की लाइन ऑफ आर्ग्यूमेंट को क्योंकि पोजानियस एरगज मैकस की नज़र में सही था लेकिन एक चीज़ मिसिंग थी एरेग्जी कहता है कि लव डज़ नॉट ओनली एग्जिस्ट बिटवीन इंडिविजुअल्स लेकिन जैसे पोजेनियस ने कहा पोजैनियस के नजर में बस ये था कि इट के इट कैन ओनली बी लव ऑफ सम वन लेकिन एक एरेग्जी मैकस कहता है कि इट कैन ऑल्सो बी लव ऑफ सम थिंग ठीक है एरग्जी मैकस एक डॉक्टर होता है और वो पूरी इंटायर स्पीच में मैंने पता नहीं क्यों पढ़े हैं वो सात आठ पेजेस एरिग्जि मैकस स्पीच के वेर ही गोज़ ऑन अबाउट बोस्टिंग अबाउट मेडिसन के मेरा तो एक बहुत डीप प्यार है मेडिसन से क्योंकि मैं एक डॉक्टर हूँ तो आई टॉक अबाउट दिस थिंग इनकी सॉक्रेडीज़ के अलावा सबकी स्पीचेज बड़ी बायश थी आई टॉक अबाउट दैट एट दी एंड तो खैर एड्जिम एक्सा आता है वो कहता है कि ठीक है मैं डॉक्टर हूँ एंड आई लव मेडिसन आई एम इन लव ऑफ मेडिसन नॉट ऑफ सम अदर पर्सन तो वो पोजेनियस को ये कहता है कि इट इज़ नॉट ओनली द लव ऑफ सम वन बट आल्सो ऑफ सम थिंग लाइक इन माई केस वो ये कहता है लोग होते हैं म्यूजिशन जिनको म्यूज़िक से प्यार होता है पीपल आर इन लव ऑफ म्यूज़िक फिर वो एस्ट्रोनी को रिलेट करता है और वो बड़ी टेक्निकल सी डिबेट बना देता है इतनी सिम्पल सी चीज़ को बहुत कॉम्प्लिकेटेड बना देता है वो मेडिसिन के अंदर चले जाता है कि यार बॉडी के अंदर कोई अगर डिफॉल्ट है तो आप उसको सही करते हो और वो सही होता है प्यार की वजह से वो कहते हैं एस्ट्रॉनोमी है दैट इज़ द नॉलेज ऑफ द वर्किंग्स ऑफ लव और वो कहता है कि म्यूज़िक के अंदर जब नोट्स आपको अच्छे लगते हैं तो वो इसलिए अच्छे लगते हैं क्योंकि उनके बीच में हारमनी है देर इज़ हारमनी बिटवीन द नोट्स और वट एवर इज़ इन हारमनी इट अपेयर्स ब्यूटिफुल एंड वट एवर इज़ नॉट इन हारमनी हारमनी इट इज़ नॉट ब्यूटिफुल तो खैर मुझे इतना ही समझ आई है एरिका मैकस की स्पीच से यू कैन रीड इट on योर ओन लेकिन उसमें कुछ भी नहीं है उसने एम ही कॉम्प्लीमेट किया है इतना लंबा किया उसने रेली फिर एरिस्टोफेन जाता है सॉरी एरिस्टोफेन ही जाता है और वो कंटिन्यू करता है एरगज मैकस की स्पीच को और वो कहता है कि लव जो एक खुदा है जिसको वो खुदा मानता है वो कहता है कि लव लव्ज़ ह्यूमन बींग्स मोर देन एनी अदर गॉड् सो वो कहता है लव लव्ज़ ह्यूमन बींग्स किसी हसब और खुदाओं से ज़्यादा लव जो है ही इज़ देयर हेल्पर एंड द डॉक्टर ऑफ दो सिकनेसिज हुर कंस्टिट्यूट द ग्रेटेस्ट हैपीनेस फॉर द ह्यूमन रेस अब जो एरिस्टोफेनिस की स्पीच है वो एक एंशियट मेथ के ऊपर रिवॉल्व करती है बेसिकली ग्रीक मैथोलॉजी में एक कॉन्सेप्ट है कि पहले जो इंसान होते थे ना वो उनके होते थे चार सर और चार पैर होते थे आई नो दिस कम्प्लीट बुलश बट है बस कॉन्सेप्ट है ग्रीक मैथोलॉजी में कि पहले इंसान इंसान होते थे जिनके चार सर होते थे सॉरी uh, चार पैर होते थे चार हाथ होते थे और जियूस को उनमें थोड़ी सी तब चढ़ी ठीक है जीवूस ने कहा यार मैं सीधा करता हूँ जीवस ने उनको आधा आधा कर दिया जीवस कट द मैन हाफ और जब जीवस ने उनको हाफ़ में कट किया तो द वन पार्ट लॉन्ग फॉर द अदर पार्ट और इस इवेंट की वजह से जब जीवस ने उनको आधा आधा कर दिया तो जो एक पार्ट होता था वो पूरी ज़िंदगी अप, अपने अदर पार्ट को ढूंढता था इसलिए हम ये हम इसलिए भी यूज़ करते हैं मेरा ख्याल टर्म द सिग्नीफिकेंट अदर जो हमें कंप्लीट दैट इज़ कम्प्लीट बुलशिट आई विल शेयर माई ओन व्यूज़ अबाउट लव इन सम अदर वीडियो लेकिन दिस कॉन्सेप्ट इज़ कम्प्लीट बुलश लेकिन इस अपने कम्प्लीट स्पीच में यही बोलता रहता है कि लव इज़ जस्ट बेसिकली द डिज़ायर टू बिकम कम्प्लीट अगेन और हम हम इंसानों में ये डिज़ायर इसलिए आती है टू लुक फॉर समन क्योंकि हमारे अब सदियों पहले जीव उसने हमें आता अदा कर दिया था खैर वो चलता रहता है अपनी डिबेट में फिर एरस्टोफिन इसकी ख़त्म होती है डिबेट तो एरग्जी एरेक्ष, मैकस एप्लॉड करता है वो कहता है यार वाह बात की आपने जिसके बाद एरगज मैकस ये भी कहता है कि इतने लोगों ने इतने लोग तो बोल चुके हैं अब मुझे ये डर है कि सॉक्रटीज़ और एग्थन क्या कहेंगे जो कि एक्सपर्ट्स एंड लव के ऊपर और अगर वो एक्सपर्ट्स ना होते तो मैं फ्राइटनड होता कि भाई अब तो कुछ राय नहीं है तो ये दोनों इंटेलेक्चुअल्स क्या कहेंगे आई आई वॉज फीलिंग नर्वस फॉर देम खैर ये लोग एवं लंबी करते हैं फिर सॉक्रेडीज़ ये कहता है कॉम्प्लीमेंट करता है कि एग्थन भी अभी डिलीवर करेगा बहुत कमाल की स्पीच तो मैं तो नर्वस हूँ कि मेरे पास कुछ भी नहीं रहेगा कहने को जब सॉक्रेडीज से कॉम्प्लीमेंट करता है एगेथन को एगेथन कहता है यार कि अब तुम लोग उतने एक्सपेक्ट कर ही रहे हो मेरे से तो मैं भी नर्वस हो रहा हूँ कि मैं क्या कहूँगा आई हैव अ पॉइंट टू दिस मैं ये बोल रहा हूँ किसी पॉइंट की वजह से ठीक है अब इस बात की बात सॉक्रेडीज़ कहता है कि यार अभी तो तुम जीत के आए हो प्राइज़ भाई क्या हो गया तुम अभी थिएटर में अपना इतना बड़ा शो करके आए हो तीन चार हज़ार लोगों के सामने तो ज़्यादा नहीं बनो आपके अंदर बहुत कॉन्फिडेंस है हम सबको पता है ठीक है तो अगर आप इतने बड़े क्राउड के सामने बोल सकते हो आप छोटे से आठ नौ लोग जो बैठे हैं यहाँ पे आप उनके सामने भी अच्छी स्पीच दे सकते हो फिर एग्थन कहता है यार एक लाइन बोलता है विच आई लाइक जिसकी वजह से मैंने इतनी लंबी की है एगन कहता है कि अ स्मॉल नंबर ऑफ इंटेलिजेंट पीपल आर मोर अलार्मिंग देन अ क्राउड ऑफ अन इंटेलिजेंट खैर एगेन इसके बाद कंटिन्यू करता है और अपना एक्सप्रेस करता है अपना व्यू लव के बारे में वो ये कहता है कि बाकी सब जिन्होंने अभी बोला है प्यार के बारे में उन्होंने बात की है अबाउट द गिफ्ट्स यूमन्स गॉड फ्रॉम लव बट नॉट अबाउट द नेचर ऑफ लव इट्सल्फ़ और सही ये तरीका होगा कि हम पहले लव को प्रेज़ करें ना ही के लव्स के जो गिफ्ट्स हैं तो वो डिस्क्राइब करता है लव को एज बीइंग द देंगे एंड द हैप्पीस्ट ऑफ द गॉड्स के मतलब खुदाओं में से सबसे खुश और सबसे यंग को क्या कहते हैं यार यंग यंग कहते हैं बस सबसे हैप्पी और सबसे यंग गॉड है खुदाओं में से बस ठीक है और उसकी नेचर बड़ी सॉफ्ट है बहुत सेंसिटिव नेचर है लव की एंड वाइल आई वॉज रीडिंग दिस ट्रस्ट मी आई वॉज वॉन्डरिंग कि ये ये जो फिलासफर्स हैं सारे सो कॉल्ड फिलासफर्स

एरीज से भी ज़्यादा करेजियस हैटिंग ये एरीज़ किस कि चीज़ का गॉड है आई बिलीव के एरीज़ मेरे ख्याल में इज़ द गॉड ऑफ वॉर इफ आई एम नॉट रॉन्ग आई बिलीव एम रॉन्ग लेकिन खैर एगेथान कहता है कि लव इज़ मोर करीजियस दैन एरीज क्योंकि एरीज जो था ही वॉज ओवर पावर्ड बाईज लव फॉर एफ्रोडाइट तो इसका मतलब ये है कि हु एवर मास्टर्स द वन हु इज़ ब्रेवेस्ट ऑफ दर्स मस्ट विद द ब्रेवस्ट ऑफ ऑल तो क्योंकि लव ने एरिस को ओवर पावर किया तो वो एरिस से भी ज़्यादा करीजियस है उसने बहुत लंबी की थी मैंने बस दो लाइनों में बताया खैर वो ये कहता है कि लव एक अच्छा कंपोजर भी है क्योंकि लव की वजह से हर तरह का आर्टिस्ट आर्टिस्टिक प्रोडक्शन होती है और हम सबको शायर बना देता है हम सबको फराज अहमर बना देता है हम सबको मीर तक मीर बना देता है प्यार हमें एक इंसान से प्यार होता है और हम सारे शायर बन जाते हैं ये पॉइंट था एगेथॉन का अब ये कहते हैं कि जो इंसान भी फेमस होता है जो इंसान भी कुछ बड़ा करता है वो बड़ा करता है इसलिए क्योंकि वो अपने क्राफ्ट अपनी स्किल पर क्या कहते हैं उसको बहुत काबिल होता है एक्सपर्ट होता है और वो एक्सपर्ट इसलिए होता है क्योंकि ही हैज़ ग्रेट लव फॉर द क्राफ्ट हैज़ ग्रेट लव फॉर हिज स्किल जिसकी जिसकी वजह से वो बड़ा फेमस बड़ा आदमी बनता है ये पॉइंट था एगेथन का अब ने अपनी स्पीच एंड करी और सब ने तालियाँ बजाइए बड़ा अप्लॉड किया सॉक्रेटीज कहता है रुको जरा सब्र करो मैं आपको भी बताता हूँ सॉक्रेटिस वॉज कॉल्ड द गैड फ्लाई ऑफ एथेंस बिकॉज ऑफ दिस रीज़न सॉक्रेटिस का नाम ही था गैड फ्लाई ऑफ एथेंस इसका मतलब ये था कि वो सड़क पर निकल जाता था और कहता था नहीं मेरे से बहस करो मैं ताकि मैं इतना वाइज हूँ कि मैं तुम्हें डिबेट में उड़ा दूंगा आई विल रोस्ट यू टू देथ इसकी वजह से लोग इतना अनॉय होते थे उसके किससे कि ये सड़क पे आता है हमारे से डिबेट करता है और हमारे जो भी बिलीव्स होते हैं दो मिनट में ऐसे तैसी कर देता है और दैट वाज वाई कॉन्सिक्वेंटली ही वाज एग्जीक्यूटेड एंड पे जाके ही वाज एग्जीक्यूटेड क्योंकि लोग उसे जैलस थे कि ऑरिकल ऑफ़ डेल्फी ने उसको द वाइजस्ट मैन ऑन अर्थ कहा है जिसकी वजह से मेलेटस और एनाइटस और लाइकॉन ये तीन लोग आए थे सामने उन्होंने एक्यूज़ किया था उसको ऑफ़ द मोस्ट लुडिक्रियस ऑफ चार्जेस आई बिलीव कि मतलब उनकी तो सेंस में नहीं मन रही थी वो बस इसलिए एग्जीक्यूट करवाया था क्योंकि वो जेलस थे उससे लेकिन खैर मेरा पॉइंट ये था कि ही वॉज कॉल्ड द गैड फ्लाई ऑफ एथंस क्योंकि उसको आदत थी बस हर इंसान से डिबेट करने की और हर इंसान को डिबेट में उड़ा देने की इफ़ यू हर्ड इज़ रीजनिंग यू विड बी लाइक ओके ही डिज़र्व टू बी कॉल्ड दैट गैड फ्लाई ऑफ एथंस तो एक नेगेटिव नेम था उसके लिए कि वो लोगों को गैड फ्लाई ऑफ एथंस का बेसिकली मतलब यह था कि अगर पूरा एथेंस एक घोड़ा है तो गैड फ्लाई जो होती है ना वो बड़ी एक वो होती है क्या कहते हैं दिमाग से लफ्स निकल गया बड़ी अनॉइंग होती है क्या है यार अनोयंग था लफ्स तो अनोइंग सी एक मक्खी होती है जो बार बार हॉर्स को तंग करती है अब मक्खी नहीं आती आपके मुंह पे बार बार आपको तंग कर रही है आपको जगा रही है अगर आपको नींद आ रही है आप उसको हटाई जा रही है वो जा ही नहीं रही है तो सोक्रेटीज वॉज दैट ही वॉज नेम्ड द गैड फ्लाई ऑफ एथेंस बिकॉज ऑफ दिस रीज़न खैर ज़्यादा लंबी कर ली सॉक्रेटीज़ कहता है एग्थन को रुको आप मैं आपको अभी बताता हूँ ठीक है तो सॉक्रटीज़ जो है वो कहता है एक बड़ी चेन डेवलप करता है और मैं कोशिश करूँगा कि जिस चेन में उसने एगेथोन से बात की मैं उसी चेन में बात करूँ ताकि यू गेट एन आइडिया कि उसकी रीजनिंग जो चेन सॉरी ट्रेन ऑफ थॉट थी वो किस तरह की थी सो सॉक्रटीज़ बिगिन करता है शुरू करता है ये कहते हुए कि डिज़ायर जो है वो किसी चीज़ पर डायरेक्टेड होती है जो आपको चाहिए होती है डिज़ायर इज़ डायरेक्टेड एज समथिंग यू नीड और अगर आपको कोई चीज़ नहीं चाहिए इफ़ यू डि नॉट नीड समथिंग यू के नॉट डिज़ायर इट जैसे एक इंसान लंबा है ही के नॉट डिज़ायर टू बी टॉल क्योंकि वो भाई वो पहले ही लंबा है और जो इंसान अमीर है ही के नॉट डिज़ायर टू बी रिच क्योंकि वह पहले ही अमीर है वो पहले ही रिच है तो डिज़ायर और लव डायरेक्टेड होते हैं उस चीज़ पर जो आपके पास नहीं है लेकिन आपको चाहिए दो कंडीशन हैं कि एक के जो चीज़ आपको जो चीज़ आपके पास नहीं है और दूसरा के वो चीज़ आपको चाहिए होनी चाहिए ये था वो कहता है सॉक्रेडिस के द लव इज़ ऑफ समथिंग एंड दैट इज़ ऑफ समथिंग दैट यू करेंटली नीड अब सॉक्रेटीज रिमाइंड कराते हैं एगेथन को कि एगेथन ने एक बड़ी अजीब सी बात की थी अपनी स्पीच पे जिसके लिए सबने तालियां तो बुझाई थी लेकिन सॉक्रेटीज़ चुप था कि भाई अभी मेरी बारी आएगी मैं इसको रोस्ट करूँगा सॉक्रेटीज को याद कराता है एगेथन भाई आपने अपनी स्पीच में ये बात की थी कि इट इज़ इम्पॉसिबल टू लव अगली थिंग्स वो कहता है कि अगर तो ये ट्रू है तो लव मस्ट बी लव ऑफ ब्यूटी एंड नॉट ऑफ अग्लीनेस और अभी क्योंकि हमने एग्री किया है कि ही लव्स वट ही नीड्स एंड डजेंट हैव इट मस्ट फॉलो कि लव नीड्स ब्यूटी एंड डजेंट हैव इट जिसका मतलब ये हुआ कि लव इज़ विदाउट ब्यूटी फिर सॉक्रटिस एगेथॉन से पूछता है कि अगर तुम ये बिलीव करते हो कि थिंग्स दैट आर गुड आर ऑल्सो ब्यूटीफुल मतलब जो चीज़ इन इट अच्छी होती हैं तो वो ब्यूटीफुल भी होती हैं मतलब अगर ब्यूटीफुल और गुड को वो अलग अलग कर रहा था सॉक्रटीज सॉरी एगेथन लेकिन वो एगेथन को कहता है सॉक्रेटीज एकेथन को कहता है कि डू यू बिलीव कि जो चीज़ अच्छी होती हैं चीज़ें अच्छी होती हैं वो ब्यूटीफुल भी होती हैं तो एकेथन कहता है हाँ तो फिर वो ये कहता है कि इफ़ लव इज़ इन नीड ऑफ ब्यूटीफुल थिंग्स एंड गुड थिंग्स आर ब्यूटीफुल ही वुड बी इन नीड ऑफ गुड थिंग्स फिर इस चीज पे एगेथन कहता है यार सॉरी मेरे से गलती हो गई थी आई डिड नॉट नो वट आई वॉज टॉकिंग अबाउट और ये मैं खुद से नहीं बोल रहा टेक्स्ट के अंदर भी लिखा हुआ है इवन दो ही डिड नॉट सेड कि इट इट सीम्स सीम्स दैट दैट आई 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 नॉट टॉकिंग अबोल एगन सेट दैट फिर वो ये कहता है कि अच्छा मेरा व्यू जो था इनकम्प्लीट था आई आई वॉज नॉट अवेयर ऑफ दिस तो सोक्रेडिस भाई आप बता दो आपको क्या बेहतर लगते हैं हम वो मान लेते हैं फिर सोकर्रटीज़ कहते हैं अच्छा अब मैं बताता हूँ कि लव क्या होता है भाई हे अब सॉक्रेडिस कहता है कि एक औरत थी डायोटिमा ठीक है मुझे नहीं पता इफ आई एम प्रोनाउंसिंग दैट राइट और रॉन्ग लेकिन डायोटिमा एक औरत थी डी आई ओ टी आई एम ए तो सॉक्रटीज़ रीस्टेट करता है एक अकाउंट प्यार के बारे में जो वो एक औरत डायोटिमा से सुनता है और जिस तरह उसने ये एक्सप्लेन किया ये लग रहा है कि सॉक्रेडिस भी एक वक्त पे एक किसी का स्टूडेंट था डाओटिमा का वो स्टूडेंट था क्योंकि ये सारे जो लोग बैठे हैं वो अपने आप को कंसिडर करते हैं स्टूडेंट्स नहीं कह सकते लेकिन इन्फीरियर कह सकते हो आपके वो अपने आप को इन्फीरियर फील करते थे क्योंकि और वो इसी रीज़न की वजह से प्यार भी करते थे सॉक्रेटीज से अभी इसके बारे में बाद में बात करूँगा एक तो ये होमोसेक्सुअलिटी इतनी ज़्यादा है कि मैं कन्फ्यूज हो जाता हूँ कि ये प्यार किस टाइप का बात करें इंटेलेक्चुअल वाला या फिर होमो साइड वाला लेकिन आई सर्च अबाउट दिस और तीन लोग जो यहाँ पर मौजूद थे दे टू स्लीप विद सॉक्रेटीज फुल स्टॉप खैर अब सोक्रेटिस बात करता है एक अकाउंट की प्यार के बारे में जो वो सुनते हैं एक औरत डायोटमा से और वो जो औरत होती है डायोटिमा वो भी वही चेन ऑफ रीजनिंग यूज करती है जो कि सोक्रेटिस ने अभी एगेथॉन से यूज़ की थी जो मैंने आपको थोड़ा शॉर्ट करके बता दिया अभी तो अकॉर्डिंग टू दिस रीजनिंग लव मस्ट ना इधर बी ब्यूटिफुल नॉर गुड क्योंकि इट इज़ अ नीड ऑफ ब्यूटिफुल एंड गुड थिंग्स फिर डायोटिमा कहती है कि इट इज नेसेसरी कि जो ब्यूटिफुल नहीं है वो अगली हो नॉर इज़ इट नेसेसरी है कि जो अच्छा नहीं है वो बुरा हो ये नहीं है कि ये ब्लैक एंड वाइट सिचुएशन नहीं है कि या तो ब्लैक होगा या वाइट होगा उसके बीच में भी एक लाइन मौजूद होती है फिर डायोडो में प्रूफ करती है कि लव ए खुदा नहीं है जिस तरह सब मानते हैं दैट इज़ रॉन्ग लव ए खुदा नहीं है क्योंकि हम लोग ये मानते हैं कि हर खुदा जो है वो खुश है और वह प्यारा है मतलब एवरी गॉड ग्रीक मथोलॉजी के अंदर वाली बात कर रहा हूँ मैं दिस इज़ नॉट माई ओन व्यू ओके डावर्टमा कहती है कि हमारी नज़र में हर खुदा जो है वो प्यारा भी है और वो खुश भी है मतलब हैप्पी भी है ब्यूटीफुल भी है तो लव मस्ट नॉट बी अ गॉड बिकॉज वी हैव ऑलरेडी एग्रीड कि लव इज़ इन नीड ऑफ गुड एंड ब्यूटीफुल थिंग्स नॉट इन पोजेशन ऑफ देम लेकिन अगर वो खुदा होता अगर वो खुदा होता तो वो खुश भी होता है लेकिन ब्यूटीफुल भी होता है लेकिन हमने अभी इस चेन ऑफ रीजनिंग से एग्री कर लिया है कि वो ब्यूटीफुल नहीं है ना ही वो गुड है क्योंकि इट इज़ इन नीड ऑफ दोज थिंग्स नॉट इन पोजेशन ऑफ दम फिर वो कहते हैं कि क्योंकि वो गॉड नहीं है तो मतलब वो मॉडल नहीं है और वो मॉडल भी नहीं है क्योंकि हमारे सामने एक आदमी की शक्ल में लॉफ तो है नहीं ना प्यार हमारी सामने तो नहीं है एक ह्यूमन की शक्ल में तो वो मॉडल भी नहीं है और क्योंकि वो खुदा नहीं है तो वह मॉडल भी नहीं है तो इट मस्ट बी अ स्पिरिट जो एग्जिस्ट करती है एक इंसान और उसके डिज़ायर्स के बीच में और ये डिज़ायर कुछ भी हो सकता है लेकिन लव जो है वो डिज़ायर है ब्यूटी का और विजडम का अब अभी बाद में बताता हूँ कि ये जो बाकी सब ने बात की थी वो ब्यूटी ऑफ द बॉडी की थी मोस्टली लेकिन ये डाउटिमा जो है जिसका अकाउंट सॉलिज रेड कर रहा है यहाँ पे जो ब्यूटी की बात की गई है थोड़ा डिफरेंट है ब्यूटी ऑफ द बॉडी की यहाँ बात नहीं की ब्यूटी ऑफ नॉलेज ब्यूटी ऑफ विजडम ब्यूटी ऑफ द सोल की बात की है खैर सॉक्रेटिस कहता है कि द ग्रेटेस्ट नॉलेज ऑफ लव इज़ द नॉलेज ऑफ अ फॉर्म ऑफ ब्यूटी दैट यू डिज़ायर उसके अलावा सॉक्रेटिस को डयाटिमा जो औरत होती है वो कहती है कि लव जो होता है वो बेसिकली गेट की तरह एक्ट करता है इमोटैलिटी की तरफ इट बेसिकली एक्ट एज अ गेट वे टू ए क्योंकि जब हम बच्चे पैदा करते हैं तो ह्यूमन्स आर बेसिकली ट्राइंग टू अचीव ए कि उनकी जो ब्लड लाइन आगे कंटिन्यू होगी तो उनकी इन डायरेक्टली आर ट्राइंग टू अचीव ए अकॉर्डिंग टू क्या नाम था भूल गया डाओटिमा हाँ डायाटिमा इसके अलावा जो कंडीशन होती है प्यार की वो ये होती है कि आप जब किसी चीज़ को डिजायर करते हो ना तो वो एट द मोमेंट के लिए नहीं करते कि मुझे ये चीज़ चाहिए और साढ़े तीन घंटे के लिए चाहिए ऐसा नहीं होता अगर आप इस चीज़ को अभी जो मैंने कहा है ना अगर आप इसको फिजिकल लेके जा रहे हो वेरी नॉट अगर आप इसको फिजिकल ले भी जा रहे हो तो दैट इज़ कॉल्ड लास्ट ओके उसका दूसरा नाम है दैट इज़ कॉल्ड लास्ट लव अगर आप किसी से सच में प्यार करते हो यू जस्ट डू नॉट इट फॉर द मोमेंट यू डो नॉट इट फॉर अ फ्यू डेज यू वॉन्ट इट फॉर है एंड यू डो नॉट वॉन्ट इड टू गो अवे सो द कंडीशन फॉर लव इज़ दैट यू वांट समथ एंड यू वांट दैट समथिंग फॉर एवर नॉट जस्ट एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए अब यहाँ तक तो सब फिलासफी फिलासफी चल रहा था ठीक है लेकिन एक दम से दरवाजा खुलता है और एक नशे में मतलब ड्रंकन आदमी आता है एल के बी एड्स और उसके साथ और उसके कुछ लोग होते हैं वो भी ड्रंक होते हैं सारे अब एल के बी एड्स जो होते हैं सॉरी एल के बी एड्स जो आदमी होता है वो आता है और सब को ना कहते हैं आओ मेरे साथ शराब पियो ठीक है सबको फोर्सफिल होता तो नहीं वो कहते हैं कि सिंपोजियम का मतलब ही यही है कि आप अनलिमिटेड शराब पियोगे ठीक है तो कम एंड ड्रिंक विद मी कम एंड ड्रिंक नीट टू विद मी और वो यूलिजी ऑफ लव की के की, अलावा की की वो यूलोजी ऑफ सॉक्रेटिस देता है यूलिजी बेसिकली एक अकाउंट या फिर एक ट्रिब्यूट टू समथिंग होता है तो लोग बाकी सारे यहाँ पे बात कर रहे थे प्यार के बारे में वो वॉक्रेडिस की बात करने शुरू हो जाता है उन दोनों के बीच में सेक्स की बातें करने शुरू हो जाता है कि यार ये भी यहाँ पे है सॉक्रेडिस एल बेसिकली ये करता है कि जैसे ही वो दरवाजे के अंदर आता है वो एगेथोन से प्यार करता होता है वो कहता है एगेथोन के साथ बैठूंगा मैं एगेथोन के साथ आके बैठ जाता है लेट जाता है जो भी करता है लेकिन उसके साथ पहले से सॉक्रेडिस बैठा बैठा होता है जब वो एग्गेथन से अपनी टेंशन हटाता है तो वो देखता है यार साथ तो सॉक्रेटिस बैठे बैठा है अब बैठ वो सॉक्रेटिस के उससे कहता है भाई आप यहाँ पे भी हो यार अब इनकी बीच में इनकी दोनों की बड़ी कमिस्ट्री है बड़ी इनकी बीच में हिस्ट्री है बड़ी नोटी टाइप की अब वो ये होता ही है कि सॉक्रेटीज जो है ना अच्छा होता ही एल की बी जो होता है ही लव्ड सॉक्रेटीज ठीक है बेसिकली लव्ड सॉक्रेटीज वो उसको इन्वाइट करता है अपने घर दो चार बार इन होप्स के कुछ कुछ हो जाए ऑफ आ सेक्शुअल नेचर लेकिन सॉक्रेटिस जो होता है वो खाना खा के निकल जाता होता है वो बड़ा तेज़ होता है वो कहते हैं भाई नो नो ये नहीं होगा हमारे बीच में ठीक है क्योंकि सॉक्रेटिस को अगर हम नोट करो ना इवन दो ग्रीक सोसाइटी के अंदर ये काफ़ी ज़्यादा था ऑफ रिलेशनशिप्स बिटवीन अ मैन एंड अ मैन एंड अ मैन एंड अ बॉय लेकिन फिर भी सॉक्रेटिस के दिमाग में जो प्यार होता था ना वो होता था विद ब्यूटी ऑफ नॉलेज विद ब्यूटी ऑफ विजडम ब्यूटी ऑफ नॉलेज और ये ब्यूटी ऑफ द सोल होता था उसकी नज़र में ब्यूटी ऑफ द बॉडी नहीं होता था और अगर आप फिज़िकल मतलब अगर सेक्स वगैरह की बात भी करोगे सोक्रेटिस से मुलक तो वो वो सिर्फ कॉम्बनेंट था उसकी नज़र में प्यार प्यार के मुतलिक इव, इवन दो जो ये फ़िज़िकल एस्पेक्ट है वो बाकी काफ़ी लोग जो यहाँ पे मौजूद थे वो इंटायरटी थी उनकी स्पीच की वो उन्होंने बात ही सिर्फ फ़िज़िकल की, की थी उन्होंने सोल की तो बात ही नहीं की उन्होंने नॉलेज की तो बात ही नहीं की लेकिन सोक्रेटिस का डिफरेंट व्यू था तो खैर सॉक्रटीज़ जो था उसको वो ज़्यादा लिफ्ट नहीं कराता है एल के बी एड्स को और एल के बी एड्स जब आता है अंदर वो कहता है यार वट इज़ दिस सोक्रेटिस कि ये क्या चल रहा है फिर वो कहता है कि मैं यूलिज पेश करूँगा तुम्हारे ऊपर मैं तुम्हारे पे एक स्पीच करूँगा प्यार जाए भाड़ में मैं आपकी बात करूँगा सोक्रेटिस मैं तुम्हारी स्पीच करूँगा सिर्फ फिर वो नशे में होता है ओके okay, जो एल के बी एड्स होता है ही इज़ ड्रॉन्ग तो वो अपना थोड़ा सा बोलना शुरू होता है इसके बारे में सोक्रेटिस के बारे में और वो ये कहता है कि यार आई एम इन लव विद हिज विस्टम ठीक है मैं पहले कर रहा हूँ उसने ये एक लाइन कुछ चार पेज उसने आगे लंबी की थी चार पेज के अंदर उसने बस एक मतलब था उसका यार वो क्रिटिक भी करता है सॉक्रेटिस की थोड़ी बहुत लेकिन वो मेन उसका ये पॉइंट होता है कि आई एम इन लव विद हिम ओके और ही इज़ नॉट द ओनली मैन हेयर हु इज इन लव विद सॉक्रेटीज़ तीन और लोग होते हैं हु इज़ हु आर इन लव विद सॉक्रेटीज एंड वर इन लव विद हिज विस्टम अब आप इस चीज़ से ये थोड़ा सा पॉइंट ये थोड़ा सा फैक्ट ले सकते हो कि दे डिज़ायर टू बी मोर लाइक हिम एंड देर लव फॉर सॉक्रेटीज वॉज बेसिकली जस्ट अ नीड फॉर समथिंग इन सॉक्रेटीज़ जो उनके अंदर नहीं था उनको एक आइडिया से प्यार था उनको एक आइडियोलॉजी से प्यार था थी सॉक्रेटिस के एक इमेज से प्यार थी उनको कि ये जो इंसान हम देख रहे हैं वो हमारी नज़र में बड़ा परफेक्ट है इसके पास बड़ा नॉलेज है बड़ा wise, बड़ा वाइज इंसान है तो हमें इससे प्यार है ठीक है वो वही कहते थे और इनमें से एक बंदा था एरिस्टोफेनिस मेरा ख्याल था इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग आई एम नाइन्टी नाइन परसेंट श्योर कि वो सो एरिस्टोफेन्स ही था जो कि जिसने चप्पलें पहनना छोड़ दी थी क्योंकि सोक्रडिस भी चप्पलें नहीं पहनता था वो कहता था यार मैं अपने आप को इसकी सूरत में ढांप लूँगा मैं इसके जैसा बनना चाहूँगा इसका जैसा बनूंगा मैं ताकि इसको भी मेरे से प्यार हो जाए अजीब सा यार क्या यार आई आई रेड दिस बुक जस्ट टू गेट अ यूनिक यू नो परस्पेक्टिव ऑफ लव और मुझे एंड पे दो चार पेजेस सॉक्रेटीज के उसने कोई अच्छी बात की थी लव के बारे में वी चल गेट टू लेकिन खैर वो सारे ये ये कहते हैं कि फिर इन लव विद सॉक्रेटीज़ एंड इन लव विद दिस विजम जिससे आपको पता चलेगा लव के नेचर के बारे में भी थोड़ा कुछ के बेसिकली प्यार भी इसी तरह का होता है अगर प्यार नहीं होता इस तरह का तो उसका एक पार्ट इस तरह का होता है विच इज़ कि यू बेसिकली डिज़ायर समथिंग विच यू डो नॉट हैव आइदर इन इट्स इंटायरटी या फिर यू डिज़ायर समथिंग विच डो नॉट हैव इन योर सेल्फ क्योंकि इन तीनों को भी प्यार था सॉक्रेटिस की एक्सेलेंट विजडम से कम्पलीट विजडम से सॉक्रेटिस को औरकल ऑफ और डेल्फी ने कहा था कि ये वाइजेस्ट मैन ऑन अर्थ है सॉरी सॉक्रेटिस का दोस्त कायरफोन था वो जाता है एथेंस से जाता है डेल्फी आप अगर आज देखो तो वो ढाई घंटे की ड्राइव है ठीक है तो वो इतना दूर जाता है और वो हम बात भी पच्चीस सौ साल पहले ही कर रहे हैं तो तब तो गाड़ियाँ होती नहीं थी ऑब्वियसली ट्रैवल में बहुत ज़्यादा टाइम लगता था ना तो कैरीफ वायरोफोन जाता है कन्फर्म करने के लिए डेल्फी जाता है और वो औरकल से पूछते कि यार दुनिया में सॉरी दुनिया में सॉक्रटीज से ज़्यादा वाइस बंदा है कोई औरिकल कहती है नहीं कोई भी नहीं है सॉक्रेटीज़ है और काराफो जाके वापस सॉक्रेटीज को बताता है तो खैर आगे इस इवेंट की किसी और वीडियो में बात करेंगे इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग इवेंट खैर सॉक्रेटीज वॉज नेम्ड द वाइजस्ट मैन ऑन अर्थ बाय द ओरिकल ऑफ डेल्फी तो सॉक्रेटीज से इसलिए वो लोग प्यार करते होते हैं क्योंकि ही इज़ सो सो वाइज ओके और दे जस्ट वांट समथिंग इन सॉक्रेटीज जो उनके अंदर खुद नहीं है खैर अब जो सिम्पोजियम होता है बाई प्लेटो ये जो बुक है इट ये जो अकाउंट है ये एंड होता है बाय द मोस्ट ऑफ़ द गेस्ट फॉलिंग द स्लीप सारे ऑलमोस्ट सो जाते हैं नशे में ठीक है और तीन लोग रह जाते हैं अब उनमें से भी तीन में से भी एक बंदा वो गिर जाता है हेड फर्स्ट और वो सो जाता है ठीक है अब सोक्रेटिस और एरिस्टोडामस निकल जाते हैं सुबह के वक्त जैसे ही डॉन होता है ठीक है और अब अब अगर देखो तो इस सिंपोजियम में एक बड़ा नोटेबल फीचर ये है और काफ़ी और प्लेटोनिक डायलॉग्स के अंदर भी ये फीचर है कि जो सेक्शुअल रिलेशन है ना बिटवीन मेल्स वो बड़ा एम्फोसाइज़ किया हुआ है उसके ऊपर और ये हो एक और बात के मुझे ये बुक पढ़ते हुए थोड़ा सा सिगमेंट फ्रॉड की बिना थोड़ी सी थोड़ी सी झलक नजर आई थी क्योंकि सिगमेंट फ्रॉड की एक बुक है थ्री एसेज ऑन दी थी ऑफ सेक्शुअलिटी जिसकी मैंने अभी लास्ट वीडियोस भी उसी पे बनाई है Uh, तो फ्रॉड की बुक है थ्री एसज ऑन द थ्री ऑफ सेक्सुअलिटी उसमें यह कहता है कि दी एबरेशंस पहले ऐसे जो है उसमें वो ये कहता है कि जो यंग लड़के होते हैं जिनके पास दाढ़ी नहीं होती है ठीक है जिन, जिन प्यूबिटी हिट नहीं की होती है तो उनसे ज़्यादा लोग प्यार करते हैं मतलब ज़्यादा प्यार करते हैं ओल्डर मैन क्योंकि ये जो बच्चा होता है जिसकी दाढ़ी मोश नहीं होती है जिसने प्यूबिटी हिट नहीं की होती जिसको वो फिज़िकली रिजम्बल करता है औरतों को और उसके अंदर थोड़ी फेमिनिन क्वालिटीज़ होती हैं जैसे शाइनस हो गई और फेमिनिन क्वालिटीज़ होती हैं लेकिन जब वो बड़े हो जाते हैं ना तो जो बड़े आदमियों की जो फेक्शन होती है जो सेक्शुअल डिज़ायर होता है वो वेयरवे हो जाता है खैर आप नोटिस करोगे कि एथेनियन लाइफ में इफ़ यू रीड अबाउट इट 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 बेसिकली promoted eroticism बिटवीन सिटीजन मेल्स homosexuality होमो एरोज पे काफ़ी एम्फिस है और इसके रीज़न ये भी हो सकती है इवन तो प्रॉब्लमैटिक है या नहीं वो बात की बात है वी आर नो वन टू पास मॉरल जजमेंट्स ऑन एंशंट सिविलाइजेशन वो अलग बात है डिबेट बिल्कुल अलग चले जाती है कि वह गलत है सही था बस इसकी रीज़न आइडेंटिफाई आप शायद कर सकते हो रीज़न आइडेंटीफाई करना अलग है लेकिन उस चीज़ को लेबल करना वो बिल्कुल अलग डिबेट चले आती है विच इज़ नॉट द एम ऑफ दिस वीडियो खैर इसके रीज़न ये भी हो सकती है क्योंकि के क्लासिकल एथेंस uh, या फिर ग्रीस की बात कर लो जनरली जो हाई स्टेटस एक्टिविटीज़ होती थी ना जैसे एथलेटिक्स हो गया वारफेयर हो गया पॉलिटिक्स फिलासफी रेटरिक द आर्ट ऑफ रेटरिक ये सारे एक्सक्लूसिव थे टू फ्री मेल्स नॉट टॉकिंग अबाउट स्लेव्स फ्री मेल्स एक तो मर्द एक ख़ास कैटेगरी की हमने बात कर ली और इसमें से भी कैटेगरी एक और फ्रीमेल्स तो इनके पास ये सारी वो थी लेजर्स थे, इनके पास सारी कि वो ये चीज़ें करते थे अब जो औरतों की जो भी डिस्टिंगटिव फीमेल एक्टिविटीज़ थी उन पर भी वो भी रिकेगनाइज़ की गई हैं काफ़ी लिटरेचर्स के अंदर ग्रीक मेथोलॉजी ग्रीक एंशंट सिविलाइजेशन के ऊपर लेकिन जो ग्रीक कॉन्सप्शन था ना वर्चुओ और ख़ुशी का वर्चुअ और हैपीनेस का वो इन ही एक्टिविटीज़ के ऊपर बेस्ड था जो ये मैंने अभी नाम लिए हैं वॉरफेयर पॉलिटिक्स फ़िलासफी वेट्रिक एथलेटिक्स ये सारी के ऊपर ही वर्चुओ की बातें है की हैं कि वर्चुअस मैन कौन है जो फ़िलासफी के अंदर इंडल्ज इंदर करे वर्चुअस मैन कौन है जो बरेट्री के अंदर इंडल्ज करे या वट एवर या पॉलिटिक्स के अंदर इंडल्ज करे और अच्छी पॉलिटिक्स के अंदर इंडल्ज करे तो भाई और तुम वगैरह क्या रह गया पीछे क्या रह गया पीछे तो अगर आप बात करो तो बड़ी पेट्रियार्कल सोसाइटी थी और वो ये चलता है ये सदियों से चलता आ रहा है नॉट जस्ट ग्रीक सोसाइटी आज कल भी यही चल रहा है थ्रू आउट द टाइम्स पेट्रीर्कल सोसाइटी चलती है खैर इसलिए आप जब देखोगे तो जब उसने बात की पोजेनियस ने वो भी यही बात करता है ऑन द इैशनैलिटी ऑफ वुमेन इनडायरेक्टली करे या डायरेक्टली करे लेकिन उसका मतलब यही था क्योंकि जब उसने ये कहा था अपनी स्पीच में कि कॉमन लव जो है वो प्योरली फिज़िकल होता है लेकिन वैवन लव फिज़िकल होता है लेकिन वो तभी अराउज होता है उस इंसान के लिए जो केपेबल हो रैशनल या एथिकल डेवलपमेंट के लिए तो उसका मतलब तो यही हुआ ना कि कॉमन लव सिर्फ़ औरतों और बच्चों के लिए रह गए ना तो मतलब औरतें और बच्चे कैपेबल नहीं होते रैशनल और एथिकल डेवलपमेंट के लिए इम्प्लाय तो वो ही कर रहा है ना उसने दो कैडिगरीज बना दी कॉमन लव जो सिर्फ औरतों के लिए है और हेवनली लव जो बच्चों के लिए हु हैव तो कैपेबिलिटी ऑफ तो एथिकल एंड मॉरल डेवलपमेंट तो इट इज़ वेरी मिसजनिस्टिक स्पीच वॉज काइंड ऑफ इफ आई एम अंडरस्टैंडिंग इट राइट बट आई एम श्योर आई अंडरस्टैंडिंग दिस राइट सो या पोजेनियस यू आर वेरी मैसजनिस्टिक खैर क्या कहते हैं हेवनली लव जो होता है उसकी नज़र में वो डायरेक्टेड होता है एट मेल्स हु हैव रीच द एज ऑफ़ बींगल ऑफ डिवेलपिंग रैशनैलिटी एंड वर्श्यू और ये इसकी जो इंटायर स्पीच होती है ना वो अपने अपने पर्सनल व्यूज़ और अपनी क्या कहते हैं हिमहमोरोजम से लिंक्ड होती है क्योंकि व्हेन आई रेड दिस बुक आई वाज लुकिंग फॉर समथिंग जो कि यूनिक इन इट्सल्फ हो क्योंकि आई हैव है लॉट ऑफ अकाउंट्स ऑफ लव आई रेड अ लॉट ऑन लव एम क्योंकि मेरा जो व्यू है लबाउट I'll talk about it in another video. लेकिन I'm trying to refine my own understanding of love. and I looked towards the this book for the same reason. लेकिन मुझे इस बुक से खा, काफ़ी ख़ास मिला नहीं क्योंकि इनमें इनकी जो अपनी स्पीचेज हैं ना इन सारों की वो काफ़ी बायसड हैं या तो अपनी गरीक मेथोलॉजी की वजह से हर चीज़ को अपने खुदाओं से रिलेट कर देते हैं या फिर दूसरा ये कि वो लव को होमोसेक्सुअलिटी से रिलेट कर देते हैं मतलब जो मैं चाह रहा हूँ मुझे वो ख़ास मिला नहीं मुझे सिर्फ ये मिला कि सॉक्रटीज़ ने बात की कि आपको प्यार होना चाहिए लेकिन सोल से आपको प्यार होना चाहिए लेकिन नॉलेज से विजडम से और वो भी यही बात करता है कि जब एक बड़े आदमी को एक बच्चे से प्यार होता है तो वो बड़ा आदमी जो है एल्डरली मैन वो बच्चे से प्यार करता है लेकिन इस नीयत से भी करता है कि वो बच्चे को वर्ची सिखाए वो बच्चे को विजडम सिखाए वो बच्चे को एक ज़िंदगी गुजारने का तरीका सिखाए और वो दोनों जिंदगी में आगे बढ़ें तो मतलब मोर और लेस की सबकी स्पीच जो थी ना बड़ी बायस थी टूवर्ड्स मतलब मतलब फ्रॉम होमोसेक्सुअलिटी रूटेड फ्रॉम देयर ओन गॉड्स एंड देयर ग्रीक मथोलॉजी अच्छा तो लास्टली द थिंग इज के एंशंट ग्रीक के अंदर सेक्स वॉज नॉट डिफाइंड बाई दें जेंडर ऑफ द पर्सन लेकिन एक फंक्शन होता था एक्टिव वर्सेज पैसिव जेंडर का सॉरी एक्टिव पैसिव पार्टनर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता था गे या स्ट्रेट का ये ये मॉडर्न टर्म्स हैं जो हम लोग पिछले कुछ सदियों से यूज़ करते आ रहे हैं और आई बिलीव कि वी कैन नॉट मेक मॉरल जजमेंट्स ऑन एनशियट सिविलाइजेशन एज डिफरेंट या फिर सीमिंगली एबरेंट जितना वो हम हमें अपेयर करती हैं क्योंकि इसको ये टर्म है मॉरल रिलेटिविज़म कि हम अपनी नज़र से पुरानी एनशियट सिविलाइजेशन को देखते हैं हमारे लिए हमारे लिए नॉर्मल वो है जो हम सोसाइटी में देखते हैं राइट और रॉन्ग फिर से मैं कहूँगा कि वो आपकी पर्सनल बाइसिस पर्सनल अपनी रिलीजियस बिलीफ की वजह से रूट होते हैं विट आई बिलीव इन अदर डिबेट खैर इसके बाद इफ यूर थिंकिंग ऑफ रीडिंग दिस टेक्स्ट इफ यूर थिंकिंग ऑफ गेटिंग इन टू इट आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो तो आई सजेस्ट के यू डू नाट ओके यू सिम्पली डो नॉट रीड इट बट इफ यू डू वाना रीड इट टू स्किम थ्रू द अदर स्पीचिज़ ओके स्किम थ्रू द अदर स्पीचेस एरिस्टोफेनीस की तो बिल्कुल मैं कहता हूँ स्कीप मार दो उसने तो पता नहीं ज्यूस की चटनी निकाल दी उसने उस मिथ को इतनी ज्यादा एम्फोसाइज किया इतना लंबा उसने किया बेसिकली आई ऑलमोस्ट स्लेप्ट वाइल रीडिंग एड इम दो ये बुक सिर्फ सेवेंटी पेजेस की है सेवनटी सेवनटी फाइव पेजस की बुक है पेंगुइन क्लासिक्स का जो एडिशन है हेयर जस्ट रीड अबाउट दॉरी सोकर की जो अकाउंट है जिसमें उसने डेओटिमस के साथ अपना वो बताया है कॉन्वर्सेशन बताई है वो उसने अच्छी बड़ी अच्छी रीजनिंग एक्सप्लेन की है और आपको उसमें भी शुरू में यही लगा कि ये भी होमोसेक्सुअलिटी से रिलेटेड है लेकिन इट्स नॉट इट्स नॉट रिलेटेड टू होमोसेक्सुअलिटी सेक्चुअलिटी के वर्ड पे यही बताता है कि उसके अकाउंट से एक्सक्लूडेड है फिजिकल डिज़ायर एक्सक्लूडेड नहीं सॉरी रॉन्ग वर्ड काफ़ी ज़्यादा डिमिनिश्ड है फिजिकल डिज़ायर उसके पूरे नेगेटिव के अंदर से क्योंकि उसके पूरा जो उसने बोला है जो पूरा अकाउंट है डेओटोमस और सॉक्रेडिस uh, का उसका बहुत छोटा पार्ट है वन या टू परसेंट है फिजिकल डिज़ायर जो सेक्शुअल रिलेशन है वो थोड़ा कम पार्ट है और उसकी नज़र में सॉक्रेडिस की नज़र में विच इज़ ओनली गुड थिंग आई गॉड फ्राम दिस बुक कि उसकी नज़र में प्यार वो है कि डिज़ायरिंग ब्यूटी एंड डिज़ायरिंग परफेक्शन ऑफ द सोल बाई अटेनिंग विजडम आप अपने नॉलेज गेन करते हो और उस नॉलेज गेन करने से आप ब्यूटीफुल बन जाते हो परफेक्ट बन जाते हो इन द सोल नॉट इन द बॉडी और ये परफेक्शन है जिसको जिसके डिज़ायर को हम प्यार बोलते हैं सक्रोटीज़ की नज़र में खैर ये था सिम्पोजियम बाई प्लेटो आई ट्राइड माई बेस्ट कि मैं पहले समरी दे दूँ क्योंकि मैंने पहले ऑलमोस्ट टू थर्ड्स ऑफ द वीडियो के अंदर मैंने अपना एनालिसिस नहीं दिया एंड पे कुछ पॉइंट्स पर एनालिसिस दिया आई इफ यू वॉन्ट एन एनालिसिस ऑफ दी सिम्पोजियम बाई प्लेटो आई कैन मेक एन अदर वीडियो ऑन डेट और मैं सिर्फ और सिर्फ अपना व्यू बताऊँगा आई हैव अ लॉट टू से अबाउट इट लेकिन आई अगर अराउंड फिफ्टी मिनट्स की वीडियो बन गई आई डोंट नोट इट ना लॉन्ग बड़ी की हो गई है बट खैर इफ यू वांट अन अदर वीडियो ऑन द एनालिस ऑफ देर स्पीचिज़ आई कैन मेक अन अदर वीडियो ऑन दैट सो या दिस वॉज इट आई सी इन द नेक्स्ट वीडियो